चरोदा स्थित राम मंदिर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन बुधवार को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार और विशेष अतिथि के रूप में चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे और निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर द्वारा नींव रखी गई। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता और मंदिर समिति के लोग शामिल रहे। चरोदा स्थित श्री श्री कोडंद रामालयम राम मंदिर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन बुधवार को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार और विशेष अतिथि के रूप में चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे और निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर के द्वारा यहां नींव रखी गई। इस दौरान निगम के पूर्व सभापति विजय जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेसी कार्यकर्ता और मंदिर समिति के लोग शामिल रहे। वहीं इस भूमि पूजन में शामिल सभी अतिथियों ने अपने अपने श्रद्धा अनुसार मंदिर निर्माण के लिए लगने वाली राशि की घोषणा की, तो वहीं मंत्री गुरुद्र कुमार ने 20 लाख रुपए की राशि की घोषणा, नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने अपने निधि से 1 लाख की घोषणा। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे ने मंदिर में शेड निर्माण के लिए 26 लाख का भूमि पूजन किया। वहीं शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान मंदिर समिति एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मंत्री गुरुद्र कुमार और महापौर निर्मल कोसरे ने अपनी शुभकामनाएं दी। आज यहाँ पे राम मंदिर का भूमि पूजन यहाँ पे हुआ है संपन्न, और यहाँ पे हमने अपने तरफ से 20 लाख के सहयोग की भी घोषणा की है, और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे एक भव्य रूप लेते हुए एक सुंदर सा शिव मंदिर, राम मंदिर यहाँ पे बने और हम सब दर्शन लाभ लेके आशीर्वाद लेते रहें। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे भगवान श्यावर रामचंद्र जी की मंदिर के निर्माण के लिए आज विधिवत पूरे विधान से पूजा किया गया है। मैं भगवान श्यावर रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ, हमारे भिलाई चरोदा वासियों के ऊपर आपकी कृपा, छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आपकी कृपा, देश के नागरिकों के ऊपर भगवान श्यावर रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। हम सब सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आज इस पुनीत अवसर में भगवान श्री रामचंद्र जी के नव निर्माण के लिए हमें ईंट रखने का मौका मिला है। मैं इस आयोजन के लिए तमाम कमेटी के साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज के दिन चूँकि भगवान श्यावर रामचंद्र जी के नवनिर्माण मंदिर के नवनिर्माण के लिए हम लोगों ने ईंटें रखा है, उसी तारतम्य में हम लोगों ने यहाँ पर डोम निर्माण की जो राशि अधोसंरचना मत से नगर निगम भिलाई चरोदा की ओर से मिला है 26 लाख रुपए राशि का, उनका भी आज विधिवत नारियल तोड़ के शुभारम्भ किया गया है। यहाँ पर डोम भी लगाया जाएगा और मंदिर चूँकि लोगों के जन सहयोग से बन रहा है, इस नवनिर्माण मंदिर के लिए मैंने अपने महापौर परिषद सारे MIC और महापौर की ओर से 1 लाख रुपए नकद देने का भी लोगों को कहा है, और आगामी समय में जो भी जरूरत हमारे समिति के साथियों को पड़ेगी, नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर होने के नाते तमाम हमारे यहाँ के पार्षद साथी, हमारे MIC मेंबर सभी उनके साथ है और निर्माण होना चाहिए। लोगों की आस्था भगवान से रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है। अंत में मैं श्यावर रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में अमन शांति और खुशहाली बने रहे। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।